हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करेंगे जो नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस जारी हुआ है यूजी के लिए, और ये सिलेबस यूपी गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जा रहा है, जो हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एक ही होने वाला है। तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के थ्रू ये सिलेबस जारी किया गया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है इसके जो भी सिलेबस वगैरह हैं और जो भी तरीके हैं किस तरीके से ये कोर्स हो चलेगा, तो उसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा पार्ट हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक ईयर हम एक एक पार्ट में करें। तो आज हम कोशिश करेंगे केवल फर्स्ट ईयर में जो दो सेमेस्टर आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करें। और ये जो सिलेबस है वो फिजिक्स के लिए है, तो फिजिक्स का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, और उसमें से सिर्फ फर्स्ट ईयर दो सेमेस्टर के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम दो सेमेस्टर लाएंगे और फिर लास्ट में फाइनल सेमेस्टर होगा। तो जो स्टार्टिंग के सेमेस्टर हैं उनमें लगभग उसी तरीके से कोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। तो ये है आपका फिजिक्स के लिए, फॉर फर्स्ट थ्री ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एज़ पर गाइडेंस ऑफ कॉमन मिनिमम सिलेबस प्रिपेयर्ड बाई यूपी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर द सेशन 2021-22। तो 21-22 के लिए ये प्रिपेयर किया गया है, और अगर ये ठीक ठाक रहा तो आगे भी चलता रहेगा। ये हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए अप्लीकेबल है। इसमें जो फैकल्टी ऑफ मेम्बर थे इस सिलेबस को तैयार करने के लिए, उनमें ये सभी लोग हैं जो ज़्यादातर मेरठ यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड हैं। तो देखते हैं हम आगे हमारे सिलेबस के बारे में। तो जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में, यहाँ पे लिखा है ये फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, जिसमें कोर्स कोड कुछ इस तरह से है, और टी यहाँ पे थ्योरी को डिनोट कर रहा है, और नीचे पी है यानी प्रैक्टिकल। तो थ्योरी में फर्स्ट सेमेस्टर में केवल मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स पार्ट ए और पार्ट बी करके पढ़ना है। तो ये थ्योरी पार्ट हुआ जिसमें चार क्रेडिट हैं थ्योरी पार्ट में, और इसमें पार्ट वन और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है और दूसरे पार्ट में न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स एज इट इज़ है, जैसे कि पहले मैकेनिक्स में होता था यूजी क्लासेस में, बीएससी फर्स्ट ईयर में। लगभग पूरी सिलेबस सेम है, कुछ टॉपिक्स वहाँ पे बढ़ाए गए हैं, थोड़ा सा और विस्तृत हुआ है, और मैथमेटिकल फिजिक्स नया जोड़ा गया है इसमें। तो थोड़ा सा बेसिक है सिर्फ, पहले ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में था, और तो यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल्स में ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो दो क्रेडिट का है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में चार क्रेडिट की थ्योरी है और दो क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। उसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर में, इसका डिटेल जो सिलेबस होगा वो अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर है वो है थर्मल फिजिक्स एंड सेमी कंडक्टर। तो आपका जो फर्स्ट ईयर का जो पहले का सिलेबस था उसमें से दो पार्ट थर्मोडाइनमिक्स करके था, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स था, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो पार्ट लगभग दूसरे सेमेस्टर में कवर हुआ है थर्मोडाइनमिक्स और सेमीकंडक्टर के ज़रिए। तो इसमें भी थ्योरी का पार्ट 4 क्रेडिट में है, और जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल है। तो बाकी पैटर्न सेम है, 4 क्रेडिट का थ्योरी है और 2 प्रैक्टिकल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड ईयर के बारे में। तो पेपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी जो डिटेल सिलेबस होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर है थ्योरी पेपर में, वो भी 4 क्रेडिट का है और 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मॉडर्न ऑप्टिक्स, जो पहले भी सेकेंड ईयर में होता था अभी भी उसी में है, और इसमें जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मॉडर्न ऑप्टिक्स, ये दोनों अलग अलग पेपर थे पहले, अब ये एक ही में है। फोर्थ सेमेस्टर में मॉडर्न फिजिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में है और फिर यहाँ पे है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत कुछ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले सिलेबस है यहाँ पे, जो फोर्थ सेमेस्टर में ही मिल रहा है और ये भी 4 क्रेडिट में है, 4 क्रेडिट। और सेम 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है, तो सेकंड ईयर भी लगभग सेम उसी पैटर्न पे है जैसा फर्स्ट ईयर, 4 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल। थर्ड ईयर थोड़ा सा लंदी हो चुका है अब, तो थर्ड ईयर में जो 5th सेमेस्टर है उसमें क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स पहले नहीं था बिल्कुल भी यूजी में, जो नया सिलेबस ऐड हुआ है, तो बेसिक्स ही होंगे लेकिन कुछ पार्ट्स तो उसमें कवर होंगे ही, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों तरीके से। तो 4 क्रेडिट और 4 क्रेडिट यानी 8 क्रेडिट यहाँ पे थ्योरी में है और सिर्फ 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। तो समझ सकते हैं कि थर्ड ईयर का कोर्स थोड़ा सा टफ होने वाला है। और लास्ट ईयर में, और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है वो ऑप्टिक्स से है, और ऑप्टिक्स पढ़ाया जा रहा है सेकेंड ईयर में, और उसके जो ऑप्टिक्स यहाँ पे है थ्योरी में और प्रैक्टिकल उसके यहाँ है। थर्ड ईयर में 6th सेमेस्टर जो फाइनल सेमेस्टर होगा उसमें एक पेपर है सॉलिड और न्यूक्लियर, और दूसरा पेपर एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। तो जो पहले पूर्वांचल्स के सिलेबस होते थे कुछ वहाँ से लिया गया है, दोनों 4 क्रेडिट का है यानी 8 क्रेडिट फाइनल सेमेस्टर में भी है 6th वाले सेमेस्टर में, और जो प्रैक्टिकल है वो उसी पे आधारित है जो थ्योरी है एनालॉग और डिजिटल सर्किट के ऊपर, गेट वगैरह, लॉजिक गेट। तो ये है पूरा होल कोर्स बीएससी से, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर के थ्रू डिवाइड है। तो पुराने जो पेपर हैं वो एज इट इज़ उसमें शामिल हैं, और उसके अलावा भी कुछ सिलेबस ऐड हुए हैं, तो ये सिलेबस काफ़ी अच्छा है पहले के हिसाब से, टफ भी होगा थोड़ा लेकिन अच्छा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास कुछ सिलेबस आ रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं सेमेस्टर वाइज पेपर का टाइटल क्या है और किन के लिए एप्लीकेबल है। मेजर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, तो मेजर सब्जेक्ट के रूप में भी इस पेपर को लिया जा सकता है, ये ओपन टू ऑल है, सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ले सकते हैं, बशर्ते इसमें प्री रिक्वायरमेंट ये है कि उनका फिजिक्स और मैथ हो 12th में, वही इस पेपर को एज अ मेजर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो थ्योरी पेपर में जो पेपर 1 है वो पहले डिस्कस किया हमने, मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, और प्रैक्टिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये कॉमन है सबके लिए, ले सकते हैं एज ए मेजर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है जो सेकंड सेमेस्टर में, तो थ्योरी फर्स्ट पेपर सेमीकंडक्टर एंड थर्मल फिजिक्स, इसके लिए भी सेम कंडीशन है, 12th में केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए, और ओपन है सभी के लिए मेज़र। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर प्रैक्टिकल है, तो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दोनों के ही ऊपर प्रैक्टिकल है, बाकी ये चीज़ें सेम हैं। तो जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के रूप में होगा। अब इसके क्या आउटकम्स होंगे वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एक सर्टिफिकेट आपको फर्स्ट ईयर में ही मिल जाएगा बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिक्वायरमेंट आती है केवल बेसिक फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए, उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे केवल फर्स्ट ईयर को पास करके। नेक्स्ट जो सेकंड ईयर है उसमें डिप्लोमा है, सेकंड ईयर के कोर्स में डिप्लोमा मिलेगा,
वो भी इन अप्लाइड फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक, डिप्लोमा इन अप्लाइड फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेमेस्टर थर्ड में जो पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है जो सेकेंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा सेकेंड ईयर के दौरान, और सेकेंड ईयर कंप्लीट करने पे ये डिप्लोमा मिलेगा जो इन अप्लाइड फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टेक्निकल ग्रेड में ये ऑप्शनल में रहता है कि इससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कंडीशन सारी सेम है जैसे पहले था, एज इट इज़ है। बाकी पेपर के बारे में डिस्कस पहले से ही हो गया, ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है और ये थ्योरी। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो ये वाला पेपर है इसमें काफ़ी नई चीज़ें जुड़ी हैं रिलेटिविटी से रिलेटेड, जो लास्ट ईयर में होती थी अभी वो सेकंड ईयर में है। फाइनल में बैचलर की डिग्री मिलेगी, तो थर्ड ईयर पूरा होने के बाद डिग्री मिलेगी जैसा पहले भी होता था, तो बैचलर डिग्री ऑफ साइंस मिलेगी डिग्री लेने के बाद फाइनल ईयर के बाद थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल, क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और ये मेजर एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया जा सकता है इन लोगों के द्वारा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है सभी के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दो पेपर यहाँ पे, यहाँ भी ये दो पेपर है सिक्स सेमेस्टर में, बाकी ये प्रैक्टिकल थर्ड। तो डिटेल सिलेबस आगे डिस्कस होगा। तो इस सब्जेक्ट को लेने के लिए जो पहले से है वो ये है कि स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को लेना चाह रहे हैं, उनका ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स और मैथ ज़रूर होना चाहिए। और इस प्रोग्राम्स के आउटकम्स क्या मिलेंगे वो ये है कि जो भी स्टूडेंट बीएससी डिग्री करेंगे, बीएससी की डिग्री पाएंगे, उनके पास नॉलेज होगा डिफरेंट कंसेप्ट एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एंड एबिलिटी टू अप्लाई दिस नॉलेज इन वेरियस फील्ड ऑफ एकेडमीज और एंड इंडस्ट्री। तो इस प्रोग्राम से जो मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से है कि एकेडमी लेवल या इंडस्ट्री लेवल पे इतना नॉलेज होगा कि वो अपना काम कर पाएंगे। दे मे परस्यू देयर फ्यूचर कैरियर इन द फील्ड ऑफ एकेडमी रिसर्च एंड इंडस्ट्री, और वो अपना फ्यूचर कैरियर इन सभी फील्ड में बना सकते हैं, चाहे एकेडमी में बनाना चाहें या रिसर्च या इंडस्ट्री में बनाना चाहें। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी फिजिक्स स्टूडेंट, तो क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर को अगर केवल क्रॉस करते हैं, केवल फर्स्ट ईयर को पास करेंगे तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और इतना कोर्स करने के बाद भी इतनी उम्मीद की जाएगी किसी भी स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, कि उन्हें कम से कम इतना पता हो कॉम्पिटेंस इन द मेथड एंड टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन यूजिंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो उन्हें कम से कम न्यूटन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बेसिक जानकारी हो। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन मॉडलिंग इम्प्लीमेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज ऑफ रिलिवेंस। तो फिजिकल क्वान्टिटी को डील करने के लिए जो भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स या थर्मोडायनेमिक्स है वो एक्सपेक्टेड होगा कि उतना वो कर पाए, अप्लाई करना जाने, कैलकुलेशंस को जाने। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव एन हैंडलिंग इन, तो कुछ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जानकारी होनी चाहिए जो सेकंड सेमेस्टर में है, तो वहाँ से मिलेगी। और लास्ट है, सो स्टूडेंट विल बी एबल टू हैंडल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट विच आर बीइंग यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल इंडस्ट्री। तो कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिससे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटल इंडस्ट्री में वो काम कर पाए। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो इसमें क्या उम्मीद की जा रही है वो ये है, द स्टूडेंट शुड हैव
नॉलेज ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मॉडर्न फिजिक्स एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। जो हमने बताया फोर्थ सेमेस्टर में जो मॉडर्न फिजिक्स है वहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में मिलेगा। नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपागेशन विच सर्व एज द बेसिस फॉर ऑल कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का वेव प्रोपागेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ें। रेडी होनी चाहिए डीपर इंसाइट, और अगर और गहरी रीडिंग की बात करें तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ में आते हैं, तो इन सभी पे कमांड होना ज़रूरी है अगर इस डिप्लोमा को लेते हैं। और उसके साथ साथ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड लेज़र विथ देयर एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी। और डिग्री वाले स्टूडेंट से ये उम्मीद है कि उन्हें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिकल के बारे में पता हो, मेनी बॉडीज प्रॉब्लम इन फिजिक्स के कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, डेवलपमेंट द बेसिक फील्ड प्रोफिशिएंसी इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि फाइनल ईयर में है, विच हैव एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट बोथ ग्रेजुएशन लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो जो दोनों लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो चाहे ग्रेजुएट लेवल, हर जगह सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स का यूज़ होगा। तो उसमें अपने आप को ठीक करना है। प्रोफिशिएंसी इन दिस एरा विल अट्रैक्ट डिमांड इन रिसर्च, तो अगर यहाँ पे प्रोफिशिएंसी अच्छी होगी प्रोफिशिएंसी, तो रिसर्च और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश्ड में उनके लिए काफ़ी अवसर हैं। कम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, तो ये कोर्स कुछ समय से यूजी से बाहर था स्टेट यूनिवर्सिटियों में ज़्यादातर, अब ये फिर से आ रहा है तो एक अच्छी बात है। लर्न द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो बाकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। ये है सभी पेपर के बारे में, और इनका टीचिंग आवर्स कुछ इस तरह से डिसाइड है, 60 आवर्स की टीचिंग है और 60 आवर्स का प्रैक्टिकल है। उसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर में भी है, थर्ड और फोर्थ का भी लगभग वही रूटीन है, और फिफ्थ एंड सिक्स्थ में भी थ्योरी पेपर के लिए अलग अलग 60 लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिकल के लिए सेम 60। वो फिर पढ़ने के अकॉर्डिंग समझ में आएगा कि कहाँ कितना समय ज़्यादा देना है। जो एक जनरल आइडिया है वो ये है कि पर सेमेस्टर पर पेपर को 60 लेक्चर्स दिया गया है कि उसी में कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, तो यहाँ से थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट ईयर में है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इस कोर्सेज के जो आउटकम है जो फर्स्ट ईयर में है, मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसमें क्या है, सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स है तो उसमें स्केलर वेक्टर, सूडो स्केलर एंड सूडो वेक्टर्स जो पहले कोर्सेज में नहीं थे, अब ये इम्प्लाई किया गया है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस हिसाब से फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल थोड़ा बहुत था पहले, अभी ये अच्छे से है। कम्प्रिहेंशन ऑफ डिफरेंस कनेक्शन बिटवीन कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये मैथमेटिकल में मिलेगा। फोर्थ वेक्टर पढ़ना है यहाँ पे, मीनिंग ऑफ फोर्थ वेक्टर, क्रोनेकर डेल्टा एंड एप्सिलॉन लेवी सेबिटा टेंसर, तो टेंसर की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये यहाँ पे सिलेबस में है। स्टडी द ओरिजिन इन सूडो फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम, तो रोटेटिंग फ्रेम के बारे में बहुत ज़्यादा पहले नहीं था लेकिन अब है, सूडो फोर्सेस इन रोटेटिंग फ्रेम की ओरिजिन कैसे है उनकी स्टडी करनी है।
द स्टडी ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ क्लासिकल सिस्टम टू एक्सटर्नल फोर्सेज एंड देयर इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिसिटी के बारे में भी पढ़ना है, जो पहले भी था कोर्सेज में। क्लासिकल सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हम डिफॉर्म करते हैं, तो वहाँ इलास्टिसिटी आती है। GPS के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेनी है, डायनेमिक्स ऑफ प्लानिटरी मोशन है, और उसके बाद लास्ट आपका लास्ट है डिफरेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव प्रोपागेशन। तो वेव एंड ऑसिलेशन वाला पार्ट है। इसमें नंबर का कुछ ये है, जैसे 4 क्रेडिट है, तो 4 क्रेडिट को 100 मार्क्स में अगर हम डिवाइड करें तो कुछ इस तरह डिवाइड है, 25 प्लस 75 मिनिमम पासिंग मार्क्स। वगैरह में अभी कुछ डिटेल यहाँ पे नहीं है। तो बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स में जो कुछ सिलेबस है उसमें ये है, फर्स्ट पार्ट आपका वेक्टर एलजेब्रा, दूसरा वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर एलजेब्रा में ही सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर वगैरह स्टडी करनी है, और प्रोडक्ट वगैरह वेक्टर जो जिससे रिलेटेड जितने भी हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सारी चीज़ें वेक्टर एलजेब्रा के तहत पढ़नी है। और इसको लेक्चर्स में डिवाइड किया है, 7 लेक्चर में इसको ख़त्म करना है, वेक्टर कैलकुलस को 8 लेक्चर में। तो कुछ चीज़ें पहले से पढ़ाई गई हैं, पहले था कोर्सेज में, कुछ यहाँ पे नई भी है। इंट्रोडक्शन टू डिराक डेल्टा फंक्शन, ये पहले नहीं था। फिर यहाँ पे तो ये सारी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, जहाँ हम अलग अलग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और बेसिक वेक्टर्स वगैरह। तो 8 लेक्चर ये भी है और 7 लेक्चर इंट्रोडक्शन टू सेंटर, जो फोर्थ यूनिट है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में फोर यूनिट है, और उसी तरह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स में 4 यूनिट है। तो इनके डिवीज़न के हिसाब से तो लगभग 50-50 है, मैथमेटिकल फिजिक्स 50% और 50% न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नया, ख़ास तौर से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, ये सिलेबस बिल्कुल मिलता जुलता है जो पिछला सिलेबस था। तो 5th यूनिट और 6, 7 और उसके साथ साथ 8, और ये इसके लेक्चर्स हैं 8, 8, 7। इसमें पढ़ना है डायनेमिक्स के बारे में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स, और प्लानेट और सैटेलाइट का मोशन, और जो लास्ट पार्ट है इसमें वो है वेव मोशन। तो काफ़ी लंबा है ये, जिसमें ये लेक्चर्स काफ़ी कम डिसाइड है, जिस हिसाब से ये सिलेबस है तो काफ़ी लेंदी है। 7-8 लेक्चर का सिलेबस नहीं है ये। इसमें कुछ बुक्स दिए गए हैं रीडिंग के लिए, तो ज़्यादातर फॉरेनर की बुक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फर्स्ट ईयर की बुक्स के लिए नहीं होंगी। तो इसके लिए आप इंडियन राइटर को ही प्रीफर करें तो बेहतर है। यहाँ पे एक बुक दिख रही है, DS माथुर, ये अच्छी है, एस चांद पब्लिकेशन। बाकी जो बुक्स हैं ज़्यादातर फॉरेनर हैं, तो बेसिक लेवल में वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए यहाँ एक बुक है, मैथमेटिकल फिजिक्स HD दास, एस चांद पब्लिकेशन, ये ठीक है। या फिर ये जो नीचे है इंडियन राइटर्स की बुक, ये बेहतर है फ़िलहाल फर्स्ट ईयर के लिए। मैकेनिक्स एंड वेव मोशन अग्रवाल और जैन का है, कृष्णा पब्लिकेशन। तो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं इजी लैंग्वेज के लिए। बाकी DS माथुर ऊपर था, ये भी ठीक है, बाकी इन सब बुक्स के चक्कर में ना पढ़ें तो अच्छा है, काफ़ी लैंग्वेज हार्ड है। तो जो 25 मार्क्स थे वो कुछ इस तरीके से डिवाइड हैं, असाइनमेंट के तौर पे है 5 मार्क्स, वो क्लास टेस्ट लिया जा सकता है जिसमें 10 मार्क्स और 10 मार्क्स है। तो 2 क्लास टेस्ट होंगे 10 मार्क्स के, और 5 नंबर असाइनमेंट के ऊपर। तो 25 मार्क्स ये इंटरनल जैसा हो गया, जो टीचर पे डिपेंड करेगा, अपने हिसाब से वो करेंगे। और उसके बाद जो 75 मार्क्स का होगा वो लगभग पेपर है ये,
75 मार्क्स में पेपर होगा और ये प्रैक्टिकल्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं ज़्यादातर क्योंकि मैकेनिक्स ही है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेम सिलेबस है। उसके लिए भी कुछ प्रैक्टिकल्स की बुक्स भी आती हैं, जैसे ये फॉरेनर बुक है, तो इसमें भी अगर आपको बुक्स लेनी हो तो ये ले सकते हैं। जो इंडियन राइटर है फ़िलहाल वही ठीक है जो अपनी समझ में आए, बाकी तो अच्छी बुक्स हैं जो फॉरेनर हैं, लेकिन इजी लैंग्वेज इन्हीं दोनों में है, थ्री और फोर्थ पार्ट में, तो यहाँ से ले सकते हैं। और इनमें प्रैक्टिकल में भी जो 25 मार्क्स है कुछ, बल्कि यहाँ 30 मार्क्स डिवाइड है। रिकॉर्ड फाइल के लिए 15 मार्क्स, 5 मार्क्स है वाइवा और 10 मार्क्स क्लास इंटरेक्शन। तो क्लास करेंगे उसके दौरान जो इंटरेक्शंस होंगे उनमें 10 मार्क्स डिपेंड करेगा, 15 मार्क्स रिकॉर्ड फाइल और वाइवा के लिए 5 मार्क्स है। तो ये प्रैक्टिकल का पॉइंट ऑफ व्यू है, 30 मार्क्स। सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर है वो ये है, उसका टाइटल थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और इसका जो प्रारूप है बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में है। फर्स्ट यूनिट में जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड यूनिट में सेकेंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेक्चर्स 8-8 डिसाइडेड हैं। थर्ड यूनिट में है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और फोर्थ यूनिट में थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो अगर पुरानी बुक्स भी हों जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग थी तो लगभग सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल सेम है। तो अगर कोई पुरानी बुक्स भी हों तो वो अप्लीकेबल हैं, यूज हो जाएंगी। यहाँ भी ये ज़्यादातर चीज़ें फर्स्ट ईयर की बुक में थी, पुराने वाले बुक में भी। और ये सेमी कंडक्टर के जो 6th, 7th, 8th और इसके पहले 5th यूनिट था वो सारा का सारा पहले की बुक में भी है। कुछ नई चीज़ सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जोड़ी गई है, लगभग सेम है जो पहले फर्स्ट ईयर में सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर था, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। बुक्स के लिए यहाँ भी कुछ पार्ट्स यहाँ दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए। तो कोशिश करें कि पहले, जैसे ये एक बुक काफ़ी अच्छी है, यानी तो यशचंद की बुक भी आती है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करके, जो आगे भी काम आएगी यशचंद की। यहाँ पे एसएल गुप्ता, ये बुक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी अच्छी है, प्रगति प्रकाशन। बाकी जो बुक्स हैं वो काफ़ी टफ लैंग्वेज में हैं, और अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग की बुक की बात करें तो ये सारे बुक में से कोई भी ले सकते हैं। ब्रिजलाल सुब्रमण्यम की हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छी है, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स कृष्णा पब्लिकेशन, या फिर सर्किट फंडामेंटल भी कृष्णा पब्लिकेशन ले सकते हैं, जो पुरानी सिलेबस के अकॉर्डिंग थी वो भी बिल्कुल सेम है। और जो आगे का प्रोसेस वो सेम है, वैसी तरह से असाइनमेंट 5 मार्क्स और 2 टेस्ट लिया जा सकता है जो 10-10 मार्क्स का होगा, तो 25। और ये किन के लिए एप्लीकेबल है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों 12th में लिए हों वो ये सिलेबस को पढ़ सकते हैं। ये है प्रैक्टिकल का पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकल का टाइटल कुछ इस तरह से है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बाकी जो प्रोसेस है इसका उसी तरह से है, इन्हीं में से कुछ प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। जो थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड है ज़्यादातर, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहे हैं, पीएन जंक्शन,
करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। तो जैसे पहले था सेम है बिल्कुल, थोड़े से जो चेंज है वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, उनको ध्यान में रखना है। इसके लिए भी बुक्स ले सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए, जो भी अपने अकॉर्डिंग ठीक लगे सब ठीक है। तो ये था पूरा दो फर्स्ट ईयर में जो दो सेमेस्टर होंगे उनके लिए। बाकी थर्ड सेमेस्टर जो सेकंड ईयर में आएगा उसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।